अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को थोड़ा सा इनहेंस कर लेंगे, लुक एंड फील इसका चेंज करेंगे, और साथ ही में जो है जैसे बार बार हमको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नोडमोन करके पैकेज आता है उसको डाउनलोड करेंगे, जिसके बाद में क्या होता है जैसे हम कंट्रोल एस या फिर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट होंगे और वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो चलिए पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, नोडमोन को इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आप कंटिन्यूसली नोड जेएस पे काम करते हैं ना, तो आप नोडमोन को ग्लोबली डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बार बार आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप उसको कहीं से भी यूज कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चलते हैं एनपीएम जेएस पर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोडमोन, इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, इसको ओपन करिए, काफी पॉपुलर पैकेज है, देख सकते हैं आप वीकली डाउनलोड्स, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है इंस्टॉलेशन कमांड भी आपको मिल जाएगा। आप क्या करें, इसको ग्लोबली डाउनलोड कर लें। इस कमांड को आपको क्या करना है, टर्मिनल में पेस्ट करना है और इंटर प्रेस करिए, तो ग्लोबली आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको ग्लोबली नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लोकली भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस npm i कमांड की मदद से। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं टर्मिनल में, और हमारे सर्वर को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, कंट्रोल सी TLS, और इस कमांड को पेस्ट कर लेंगे। इतना लिख के आप क्या करें, एंटर प्रेस करिए, तो ये लोकली आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं पैकेजेशन की फाइल में। यहाँ पे देखिए नोडमॉन इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए आपकी जो सर्वर डॉट जी एस की मेन फाइल है ना, तो अभी ये क्या हो रही है, ये नोड की मदद से रन हो रही है। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, एक और स्क्रिप्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि टेस्ट स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, एक और स्क्रिप्ट बना लेंगे जिसका नाम मैं रखता हूँ सर्वर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोडमॉन के थ्रू जो है ना एप्लीकेशन को रन कराएंगे। तो आप लिखेंगे नोडमॉन, फिर फाइल का नाम, हमारे केस में है सर्वर डॉट जे एस की फाइल, अगर आपकी फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जे एस है या फिर ऐप डॉट जे एस है, तो फिर आप उस फाइल का नाम यहाँ पर लिखे, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस टर्मिनल में, इसको क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे npm फिर रन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं npm रन और फिर स्क्रिप्ट का नाम, हमारे केस में सर्वर, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए एप्लीकेशन नोडमॉन के थ्रू रन हो रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके से नोडमॉन का इंटरफेस आपको नजर आएगा टर्मिनल में। चलते वापस ब्राउजर में, और ये रहा हमारा टेस्ट API, इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ये वेलकम है। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए सर्वर में चेंजेस कर लेंगे, वेलकम के बदले क्या कर लेते हैं इसको वापस से नोड जेएस माई सीक्वल ऐप कर लेते हैं, इसको सेव। जैसे सेव किया तो देखिए सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो गया। अब अगर मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए परफेक्टली हमारे चेंजेस यहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से आप जो कंसोल स्टेटमेंट है उसको भी थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए एक पैकेज आता है, आप npm js पे सर्च करिए कलर, इतना लिख के आपको सर्च करना है, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, तो ये पैकेज आपके सामने आएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका ऑफिशियल रिपोजिटरी या फिर होम पेज भी आप देख सकते हैं। जैसे कि न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर कलर्स के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो टर्मिनल में अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, पहले शुरू सर्वर को क्लोज कर देना है, और यहाँ पे मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे npm i colors, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा सा पैकेज है, इंस्टॉल हो गया, इसको डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्स्ट कलर इक्वल टू, फिर हम इसको रिक्वायर कर लेंगे कलर, इसको कैसे यूज करेंगे, तो ये जो भी सर्वर की स्टेटमेंट है या फिर कंसोल डॉट लॉग की जो भी स्टेटमेंट है आपकी, उसके बाद में आपको क्या करना है, डॉट लगाना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे bg मैजेंटा, फिर और डॉट लगा के हम इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाइट कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको, फिर से मैं सर्वर को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है, प्रीवियसली हमारे पास प्लेन में आ रहा था लेकिन अब इसका जो है कलर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से और भी यूजफुल पैकेजेस है, जैसे कि मॉर्गन, मॉर्गन क्या करेगा, कौन सी API रिक्वेस्ट हमारी हिट हुई है तो उसको जो है लॉक कर देगा, उसकी डिटेल्स हमको शो करेगा। तो इसको पहले शुरू हम डाउनलोड कर लेते, फिर मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है, चलते वापस, और एक और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बार बार हमको रिस्टार्ट करना पड़ रहा, तो उससे बेटर हम एक और टैब ओपन कर लेंगे और इसमें इसको पेस्ट कर लेंगे npm i morgan, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, तो ये भी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। छोटे छोटे पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब morgan एक मिडलवेयर है, पहले शुरू आप इसको इम्पोर्ट कर लें, कौन
मॉर्गन इक्वल टू, फिर यहाँ पे इसको रिक्वायर कर लेंगे मॉर्गन, और इसको हम मिडलवेयर में ऐड करने वाले हैं। तो मिडलवेयर राउटर से पहले आप लिखें ऐप डॉट, यूज की मदद से हम क्या करते हैं मिडलवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे मॉर्गन को कॉल करेंगे। और इसके अंदर भी हमको बहुत से मेथड्स मिलते हैं जैसे कंबाइन, कॉमन, टैब, शॉर्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डेव यूज कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं वापस पहले वाले टर्मिनल में जिसमें हमारे एप्लीकेशन रन है। फिलहाल देखिए हमारे पास एक ही मैसेज है सर्वर रनिंग। अब जैसे मैं यहाँ पर एपीआई को हिट कराता हूँ ना इस टेस्ट वाले को, तो यहाँ पर मैंने इसको हिट कराया, चलते हैं वापस टर्मिनल में। तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा कौन सी एपीआई को हिट हमने कराया है। तो ये डीबगिंग के लिए अच्छा है और डेवलपमेंट मोड में इसका काफी अच्छा यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे एक और पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जिसे हम कहते हैं डॉट ईएनवी। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं जो भी आपके एप्लीकेशन में कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे कि अभी क्या है फिलहाल हमारे पास हमारा पोर्ट नंबर जो है कॉन्फिडेंशियल है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं सिक्योर कर सकते हैं डॉट ईएनवी पैकेज की मदद से। पहले शुरू आप क्या करें इसको इंस्टॉल कर लें, यहाँ से आप क्या करें इंस्टॉलेशन कमांड को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है इसको इंस्टॉल करना है। दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ, पेस्ट npmi.env, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, ये भी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं छोटे छोटे पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पैकेजेशन फाइल में आप चेकआउट कर सकते हैं, देखिए सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर शो करेंगी। अब आपको क्या करना है रूट डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फाइल बनाना है और इसका नाम रखना है आपको डॉट ईएनवी। सेम सिंटैक्स फॉलो करिए, इसी तरीके से ईएनवी फाइल क्रिएट की जाती है। ईएनवी मतलब क्या, एनवायरमेंटल वेरिएबल। इसमें हम क्या करेंगे पोर्ट क्रिएट करेंगे, पोर्ट इक्वल टू 8080। पोर्ट ऐड करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। और एक बात याद रखें जब भी डॉट ईएनवी की फाइल में आप चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से आप क्या करें सर्वर को टर्मिनेट कर ले पहले शुरू, और यहाँ पर फिर से हम सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे npm run server, तभी ये काम करेगा। चलते सर्वर में और डॉट ई एन वी को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे। कौन डॉट ई एन वी इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर क्या करेंगे हम डॉट ई एन वी पैकेज को रिक्वायर कर देंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर इसको कॉन्फिगर करना है, मेक श्योर टॉप पे आप इसको कॉन्फिगर करें। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर लेता हूँ कॉन्फिगर डॉट ई एन वी, यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे डॉट ई एन वी और इसके बाद में कॉन्फिग फंक्शन इसको कॉल कर लेंगे। अगर आपका डॉट ई एन वी का फाइल कोई अदर फोल्डर में, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसमें आप उसका पाथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे केस में रूट में है तो हमको पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सेव कर लेते हैं इसको। अब इन्वायरमेंटल वेरिएबल का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं पोर्ट को डायरेक्टली एक्सपोज करने से अच्छा प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस डॉट ई एन वी, फिर उसके बाद में जो भी आपने नाम लिखा है। तो हमने क्या नाम लिखा है पोर्ट नाम लिखा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे भी लिख लेंगे पोर्ट। और ऑप्शनली हम क्या करेंगे इसको 8000 दे देंगे, इन केस अगर कुछ इशू होता है 8080 में तो ये 8000 पोर्ट यूज करेगा। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पे जो सर्वर रनिंग है ना, तो यहाँ पे एक मैसेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे ऑन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग, सो डॉलर कर्ली ब्रेसेस। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले शुरू इस स्ट्रिंग के बदले बैकटिक में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बैकटिक आपको मिल जाएगा टैब के ऊपर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे आप प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट फिर पोर्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो जैसे सेव किया तो देखिए मैसेज हमको चेंज होके मिल गया सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080, जो हमने ई एन वी के अंदर 8080 लिखा है ना, तो सेम बराबर से शो कर रहा है। अगर 8080 में कुछ भी इशू आता है तो फिर ये बाई डिफॉल्ट 80,000 पोर्ट यूज करेगा। उसी तरीके से एक डिफॉल्ट मिडलवेयर भी आता है जिसका आपको यूज करना पड़ता है जब भी जेसन डेटा आप यूज करेंगे, यानी फ्रंट एंड या क्लाइंट से आपको अगर जेसन डेटा एक्सेप्ट करना है, बॉडी पार्सर लगता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं डिफॉल्ट एक्सप्रेस के साथ में भी आता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ मिडलवेयर के अंदर हम क्या करेंगे जेसन ऑफ जेसन फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐप डॉट यूज ऑफ एक्सप्रेस डॉट जेसन, इस फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जेसन डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट बॉडी में अगर जेसन डेटा आ रहा है तो वो परफेक्टली आएगा। अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो फिर आप जेसन डेटा को रिसीव नहीं कर सकते, वहां पे आपको एरर शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो बेसिक सेटअप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर डेटाबेस में एक डमी डेटा क्रिएट करेंगे, फिर उसको जो है हम यहाँ पर हमारे नोड एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करेंगे।